हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू लर्न सेकंड मेथड ऑफ गुडविल दैट इज सुपर प्रॉफिट. अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ गुडविल. फर्स्ट मेथड वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड. इट हैज टू टाइप्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो मीनिंग ऑफ गुडविल इज व्हेन द फर्म हैज नेम एंड फेम in the market, that is called the goodwill. Factor affecting the value of goodwill is nature of business, depend on the nature of business, location, efficiency of management, market situations and special advantages. Need for valuation of goodwill at the time of existing of a remaining partners, admission of a partners, retirement or death of a partner, dissolution of a firm and amalgamation of partnership firm. And types of goodwill is two types. First, purchase goodwill and second is self-generated goodwill. Method of valuation of goodwill is average profit method, second super profit method and third is capitalization method. Average profit method also have two types, simple average profit method and second is weighted average profit method. Earlier I have explained these topics with the examples of numerical question. So let's continue. Today topic is super profit method. So first of all, I have to explain again what is the meaning of goodwill and how we will calculate the value of goodwill. Suppose it is a firm, Narula Ice World Sweets and Kulfi Shop. Net value of business is 70 lakh and market value business is 75 lakh. So its meaning is कि Narula Ice World एक शॉप है जिसकी हमारे पास वैल्यू, हमारी नेट एसेट जो हमारी है वो 70 लाख की है, लेकिन मार्केट में अभी इसकी वैल्यू 75 लाख रुपीज की वैल्यू है जो मार्केट में बनी हुई है. सो नाउ द क्वेश्चन इज 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा फर्म के क्यों है. एक्स्ट्रा 5 लाख जो फर्म के पास है वो उसकी गुडविल है. रुपीज 5 लाख एक्स्ट्रा इज फॉर व्हाट रीजन. अब फर्म की जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज की वैल्यू है उसके क्या रीजन है होने के. फर्स्ट ब्रांड नेम, कि जहां भी मार्केट में वो लोकेटेड है उसका एक ब्रांड बन चुका है, उसके नाम से फेमस है दुकान. सेकंड कस्टमर साइज, कि कस्टमर्स को बिठाने की, उनको अटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है फर्म के पास. सप्लायर्स बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं. इट्स वर्कफोर्स, जो भी वहां पर फर्म में वर्कफोर्स है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, या फिर फर्म बहुत ज्यादा जो अपने कस्टमर्स हैं उनका ध्यान रखती है, या टाइम टू टाइम जो क्वेरी है उनको शॉर्ट आउट करती है या उनको पर्सनली अटेंड करती है. तो इस तरह से इन सभी चीजों को मिलाकर के क्या बना हमारा गुडविल. और इस तरह से फर्म की जो गुडविल है वो 5 लाख रुपीज है जो फर्म ने अपनी बनाई हुई है 75 लाख रुपीज की इन द मार्केट. सो अगेन द मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट लिंक टू एन एस्टेब्लिश बिजनेस बिल्ड ओवर टाइम एज अ बिजनेस गेन फेवरेबल रेपुटेशन फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर सप्लायर्स रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल. गुड पब्लिक रिलेशन, रेगुलर कस्टमर्स, क्वालिटी मेंटेनेंस, मैनेजमेंट स्किल्स, लोकेशन, गुड रिलेशन विद सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज. टाइप्स ऑफ गुडविल, फर्स्ट परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. वी हैव टू कैलकुलेट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड हैज ऑल्सो टू टाइप्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. नोट, बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर. एनी एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. इसका मतलब है कि जब फर्म के पास कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो वो फर्म से माइनस हो जाएगा हमारे नेट प्रॉफिट से, और जो भी हमारे पास एबनॉर्मल लॉस होंगे वो हमारे प्लस हो जाएंगे. तो कल मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया था जहां पे हमने प्रॉफिट्स को प्लस किए थे और जो लॉसेस थे उसको माइनस किया था. नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट
year. Next is simple average profit method. We will calculate first goodwill average profit into number of years of purchase. Second is average profit, total profit upon number of years. Earlier I have explained this method with the numerical question. So I hope you will be not be difficulty. Number of years of purchase mean the number of years for which the firm is likely to earn the same amount of profit. Weightage average profit method, goodwill is equals to weightage average profit into number of year of purchase, weightage average profit into given weight. Super profit method, today I will explain super profit method. So super profit method, when the firm has excess amount in his profit, that is called the super profit method. It is also excess about the excess of the average profit and normal profit, that is called the super profit. इसका मतलब super profit का मतलब है कि जब firm normal profit, average profit से भी ज़्यादा profit gain करने लगती है, तो हम उसे super profit कहते हैं. Goodwill is calculated on the basis of super profit, the excess of actual profit over the average profit. तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि average profit normal profit से ज़्यादा जब firm goodwill attend करने लग जाती है, gain करने लग जाती है, तो हम उसको super profit कहते हैं. For calculating goodwill, super profit are multiplied by the number of year of purchase. कैसे हम यहाँ पर step में इसको use करेंगे? गुडविल सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सेकंड स्टेप इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. थर्ड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल इंप्लॉयड भी यहाँ पर एक वर्ड होगा. कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है कि फर्म में जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है उस सभी को हम कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं. इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म NRR. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जब फर्म एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के प्रॉफिट को अज्यूम करती है और मान करके चलती है कि सपोज इन फ्यूचर अगर हमें सुपर प्रॉफिट नहीं भी मिलेगा तो हमें अपने बिजनेस का या अपने जो हमारी एसेट्स है या जो हमारी जो अमाउंट खर्च हो रही है या जो हमारी एसेट्स यूज हो रही है उसके एवज में मुझे एक मिनिमम चार्ज भी है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में मुझे वापस मिलता रहेगा, तो वो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट हम उसको कह सकते हैं. कि वहां पर फर्म एक असम्पशन मान करके चलती है कि अगर इन फ्यूचर मुझे सुपर प्रॉफिट भी नहीं मिला तो मुझे एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट मिलता रहना चाहिए, जिसके लिए लगातार मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे. कैपिटल इंप्लॉयड. नाउ आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%. सपोज एक फर्म ने अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान करके चलती है कि मुझे 20% जो भी मेरा बिजनेस है उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट जो है वो मिलते रहना चाहिए. एंड योर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज 10 लाख रुपीज. अब वहां पर जो फर्म ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो उसका 10 लाख का है. देन योर नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी ₹2 लाख. तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज उसका नॉर्मल प्रॉफिट है. बट इफ यू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,30,000, लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट 2,30,000 रुपीज मिल रहा है, देन 2,30,000 नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है माइनस 2 लाख, लेकिन आपने माना कितना था कि 2 लाख रुपीज मुझे मिलने चाहिए. सो 30,000 आर योर सुपर प्रॉफिट. कि आपने फर्म को कहा कि मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए का भी अगर प्रॉफिट मिला तो वो हमारे लिए बहुत है, इनफ है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हमें फर्स्ट चाहिए तो वो हमें अचीव हो रहा है. अब यहाँ पर फर्म को अगर 2,30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब अब फर्म की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी बन चुकी है, उसका नेम और फेम दोनों काम कर रहे हैं, और वहां पर 30,000 उसकी अजम्पशन से भी ज्यादा जब उसको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो वो उसका सुपर प्रॉफिट बन जाता है. सो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड हैज टू टाइप्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सो आई हैव एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट मेथड टुडे. इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म. सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. कि जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, जैसा मैंने अभी आप लोगों के एग्जाम्पल दिखाया कि फर्म की जो अजम्पशन थी वो 2 लाख रुपीज प्रॉफिट की थी, लेकिन फर्म को 2,30,000
30,000 का वहां पर प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 की जो अमाउंट थी वो उसकी एक्सेस थी, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा थी 30,000, जिसे हम सुपर प्रॉफिट मान करके चलते हैं। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, हमें सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। सेकंड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म बाय द इन्वेस्टर्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज आल्सो कॉल्ड एनआरआर अपॉन 100। थर्ड स्टेप इज सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेन रह जाएगा सुपर प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप इज गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो आई हैव एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सपोज अ फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आर 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। तो सपोज एक फर्म के पास 3 साल का प्रॉफिट है 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख। द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द इंडस्ट्री इन विच द फर्म ऑपरेट आर 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज रुपीज 40 लाख। अब यहाँ पर फर्म कह रही है कि जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है फर्म में, उसका अगर मुझे 10% भी प्रॉफिट मिला तो वो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल फर्म में किया गया है 40 लाख रुपीज का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि यहां पर आपको 4 साल के सुपर प्रॉफिट में गुडविल को कैलकुलेट करना है। सो सोल्यूशन इज फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमने सबसे पहले जितने भी हमारे ईयर का प्रॉफिट था हमने उन सबको टोटल किया, 5 + 4 + 6 / 3। कितने साल का प्रॉफिट है हमारे पास? 3 ईयर का, तो इसीलिए 3 ईयर से हम डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5 लाख रुपए। इसका मतलब एक एवरेज प्रॉफिट आपको जो हर साल रिसीव हुआ है वो आपका 5 लाख रुपए था। सेकेंड स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप मैंने आपको पीछे ऊपर दिखाया है कि नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड स्टेप है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पर देखिए एनपी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है फर्म में 40 लाख का, 10% का एनआरआर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा सुपर प्रॉफिट में, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन में, एनआरआर की परसेंटेज गिवन होगी, तो इसलिए ज्यादा उसमें ढूंढने में या हमें समझने में दिक्कतें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, फेस नहीं करनी पड़ेगी अपॉन 100। तो यहाँ पर 40 लाख इंटू 10 / 100 इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को मिला है। थर्ड स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 5 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। इसका मतलब फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है सुपर प्रॉफिट वो हर साल उसने वहां पर इकट्ठा किया है, वो या फिर एवरी ईयर 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट एज अ सुपर प्रॉफिट फर्म को रिसीव हुआ है। फोर्थ स्टेप इज गुडविल एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1 लाख इंटू 4, 4 साल की गुडविल परचेज हमें निकालनी है, तो 4 लाख रुपीज उसकी गुडविल है जो 4 साल की है। तो इस तरह से 1 लाख रुपीज पर ईयर वहां पर फर्म ने एज ए गुडविल जो थी वो अचीव की और 4 साल की गुडविल उसको 4 लाख रुपए रिसीव हुआ है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को अभी तक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में कितना जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, आई होप मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो शायद जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूड नहीं कर रहे हैं अपनी वीडियोस को या होमवर्क को वो प्लीज़ कंटिन्यू करें, अपने होमवर्क को भी और अपने वीडियोस को भी और सभी सब्जेक्ट में कंटिन्यू करें। सो टेक केयर एंड गुड बाय।